हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो आप लोग को पेश कर रहा हूँ। एक माइक्रो ओवन, हायर का माइक्रो ओवन है और इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका जो पीसीबी है, ये पीसीबी ख़राब है, तो रिपेयर नहीं हो पा रहा है और ना ही नया मिल पा रहा है। तो इस कंडीशन में इस माइक्रो ओवन को वेस्ट करने से अच्छा है इसको आप यूज़ में कर लें। तो यूज़ में लाने के लिए इसमें एक पीसीबी इंस्टॉलेशन होता है जो यूनिवर्सल पीसीबी है। आज हमारे पास में एक यूनिवर्सल पीसीबी एक आया हुआ है, तो अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि इस पीसीबी के अंदर में क्या क्या आपको मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहें और देखें कि इसमें, देखिए पीसीबी का बॉक्स को अनबॉक्सिंग किया, एक ये आपका क्लिप मिलेगा पूरी कवर के साथ, बहुत अच्छा है। एक डिस्प्ले मिलेगा, ये आप डिस्प्ले देख रहे हैं, डिस्प्ले आपको ये सेकंड में आएगा, ये मिनट में आएगा, ठीक है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, देखिए कैंसल स्टार्ट फायर। तो इस तरह का इसमें बटन मिलेगा, टच बटन है, तो एक डिस्प्ले मिलेगा और एक पीसीबी इसके साथ मिलता है। ये देखिए, इस पीसीबी को कनेक्शन करना है, कैसे करेंगे इसका सारा डिटेल डायग्राम आपको इसके पीछे बॉक्स में दिया हुआ है, इसके पीछे बॉक्स में सब दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ माइक्रो ओवन का पॉइंट आएगा, उसके बाद एयर ब्लोअर का आएगा, फिर टर्निंग प्लेट का आएगा। तो ये तीन कनेक्शन इसमें देना है, बाकी एक दो और नीचे का एक तीन, तीनों को शॉर्ट करके ये न्यूट्रल के साथ में आपको देना है इसमें, ओके। तो अब मैं इसका काम शुरू करता हूँ और आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि इसको कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले ओवन का जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट मीन्स न्यूट्रल, इस मेन कोड को हमारा ये ब्लू वाला वायर जो है एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को लेते हुए हम लोग चलेंगे। तो ये जो ब्लू वाला वायर आपको दिख रहा है, यहाँ से इसमें आया, ये देखिए यहाँ से ये आ गया यहाँ पर। तो मैं इसको कनेक्शन इसके साथ करूँगा। देखिए यहाँ माइक्रो मैग्नाटोन का जो ट्रांसफार्मर है, वहाँ का एक पॉइंट और एक टर्निंग प्लेट का जो मोटर होता है, जिसको स्विमिंग मोटर बोलते हैं, उसका एक पॉइंट, दोनों टच है। अब यही वायर यहाँ आ करके फिर यहाँ से रिटर्न गया ये यहाँ का एक बल्ब में, बल्ब से होते हुए यही वायर चला गया आपका इस फैन में। इस फैन में जाने के बाद ये देखिए ब्लू वाला वायर फिर से निकल रहा है, इसके साथ में टच होके इसका एक ग्रिल का एक कॉमन में चला गया। अब ये ग्रिल का ब्लू वाला आने के बाद बैक साइड में ये यहाँ का एक हीटर में चला गया, हीटर के बाद फिर यहाँ फैन मोटर में आ गया, यानी हमारा कॉमन का पॉइंट ये ब्लू वाला हो चुका है। तो एक कॉमन पॉइंट हमको देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक डोर का स्विच भी दिया जाता है, ये देखिए यहाँ डोर स्विच दिया हुआ है। आप इस तीनों में से कोई एक में डोर स्विच कनेक्ट कर लीजिए, और याद रखिएगा जब इस डोर को आप ओपन करते हैं तो स्विच का कनेक्शन कट जाना चाहिए, और जैसे ही इसको बंद करते हैं तो स्विच कनेक्शन आ जाना चाहिए। तो मुझे इस स्विच में इस तरह का कनेक्शन मिल रहा है, मैं यहाँ से करूँगा। बाकी आप लोग देख लें, अगर आपको यहाँ चाहे यहाँ से अगर आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये सही लगा, मैं इसके ज़रिए अभी आगे काम करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो बनाते वक्त काम करना मेरे लिए संभव नहीं है, तो मैं वीडियो को रोक करके आपको मैं सारा कनेक्शन करके अभी दिखाता हूँ। आप वीडियो में बने रहें, देखिए, शायद हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले, और अपना घर पे अगर कोई माइक्रो ओवन हो तो आप अपने से इसका वायरिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए। मैंने फाइनली इसका वायरिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी जैसे ही कंप्लीट हुआ है, मैं आपको हर चीज़ के बारे में क्लियर बता देता हूँ कि इस पीसीबी को कैसे आपको वायरिंग करना है। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई लॉजिक लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों। सिंपल सा क्या है, मैं आपको पहला यहाँ से इस बताता हूँ। जैसे आप इसको देख रहे डिस्प्ले बटन टच, ये आप समझ गए होंगे, ओके। ये आपका हो गया डोर का स्विच, डोर स्विच को मैंने जैसे बताया कि इसको ओपन किया, डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ये आपको देखना आपका काम है। दो वायर को लेकर आइए, डोर स्विच में डाल दीजिए,
उसके बाद आइए न्यूट्रल लाइन, ये मेन पावर सप्लाई जो एसी सप्लाई आता है 220, इस सर्किट के ज़रिए ऐसे सर्किट के ज़रिए ही आपको इसमें 220 सप्लाई देना है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस दूसरा है, थोड़ा समझिएगा बात को। जैसे कि मैंने देखिए हमारा सप्लाई आ रहा है यहाँ दो, एक न्यूट्रल एक लाइन। ये न्यूट्रल का लाइन को देखिए मैंने यहाँ लाया, ये हमारा न्यूट्रल का लाइन आ गया। इसमें कनेक्टेड क्या है, इसमें एक मैंने दे दिया माइक्रो ओवन का ट्रांसफार्मर, ये वाला, और यहीं से येलो वाला जो वायर जा रहा है ये आपका स्विमिंग मोटर का एक पॉइंट में चला गया, यानी इसको भी कनेक्ट किए, स्विमिंग मोटर को भी कनेक्ट किए, दो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से मेरा ऊपर चढ़ रहा वायर, ये देखिए ये दो ब्लू वाला वायर ऊपर चढ़ रहा है, एक यहाँ बल्ब का एक पॉइंट में मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया। ये हमारा मेन न्यूट्रल आ रहा है इस बोर्ड के ज़रिए, और ये जो न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है ये देखिए ये फैन में जा रहा है। इस फैन से एक लगा वाला वायर ब्लू वाला एकदम इस हीटर में जा रहा है, मुझे हीटर से कोई मतलब नहीं है, यहीं से एक वायर जा रहा है यहाँ यहाँ से इसका पीछे का उस फैन में। तो अभी इस कंडीशन में ग्रिल काम करेगा नहीं, ग्रिल नहीं काम करने से इस फैन का हमें आवश्यकता नहीं है, हमें माइक्रो ओवन का जो ये फ़ैन है इसका आवश्यकता है। तो मैंने फिर भी उस फैन का कनेक्शन मैंने करके रख दिया हूँ। ओके, अब वो न्यूट्रल का आपका हो गया काम ख़त्म। अब आ गया, जैसे मैंने एक बताया कि एक न्यूट्रल डाला, दूसरा को इसमें डाल दिया एमटी, दूसरा को मैंने डाल दिया एक नंबर में, ये देखिए मैंने एक नंबर में डाल दिया मैग्नाटोन का ट्रांसफार्मर का पहला वायर। उसके बाद इसको P1 आपस में जंप किए, P1 यहाँ एक है इसको जंप किए, तीनों को जंप करने के बाद इसमें लाइन का कनेक्शन डाल दिए। अब ये लाइन का कनेक्शन कैसे काम करेगा, न्यूट्रल तो मैंने ऑलरेडी पहले से डायरेक्ट कर दिया, लाइन का कनेक्शन यहाँ से जंपर से इसके सामने बाजू वाला में लगा दिया हूँ रिले के सामने। ये कैसे काम करता है दोस्तों, देखिए ये रिले का पॉइंट है, ये दो पॉइंट है रिले का, और ये रिले का ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका उसका कॉइल है। जैसे ही इसमें VCC 12 वोल्ट का सप्लाई जनरेट होता है ये रिले आपस में टच हो जाते हैं दो पॉइंट में। तो जैसे एक वायर दो वायर दो वायर तीन वायर, मैंने इसको जंपर करके लाइन में डाल दिया, यहाँ मैग्नाटोन का ट्रांसफार्मर डाला हूँ, यहाँ पर मैंने आपका इसमें ये दोनों जंपर है, इसमें मैंने डाला हूँ आपका फ़ैन का कनेक्शन, इसमें डाला हूँ मैंने लाइट का कनेक्शन। तो इस तरह से ये काम करता है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। आप इस वायरिंग को अच्छा से समझिएगा और रिले को टेस्ट कीजिएगा, जैसे ही इसमें सप्लाई दीजिएगा ये रिले का दो पॉइंट ओनली दो पॉइंट आपस में टच होता है, उसके बाद डिसकनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लाइन का सप्लाई दीजिए, फिर यहाँ लाइन का सप्लाई दीजिए, यहाँ लाइन का सप्लाई दीजिए, आपका सारा काम कर जाएगा। ओके दोस्तों, इस मैग्नेटोन को मैंने रेडी किया हूँ, अब इसमें मैं पावर डाल करके मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देखें और कुछ समझ पाएँ। मैंने पावर ऑन कर दिया, PCB से मैंने सेलेक्ट किया 10 सेकेंड, स्टार्ट का बटन दबाया, देखिए ये हमारा चलने लगा, फैन चलने लगा, मैं इसको ओपन किया, देखिए ये ऑफ हो गया, फैन बंद हो गया दोस्तों, टर्निंग प्लेट भी बंद हो गया, ठीक है, फैन बंद हो गया, लाइट जल रहा है। अब इसको मैंने ऑफ ऑन गेट ऑफ लगाया, फिर स्टार्ट किया, फिर चालू हो गया। तो इस तरह से हमारा मैग्नाटोन माइक्रो ओवन ये यूनिवर्सल PCB लगाने का प्रोसेस बहुत ही इजी मेथड है, इसको आप अपनाएं। अगर आप जानते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा दोस्तों। अगर आपको इस डायग्राम में और इस काम करने में अगर कुछ दिक्कत का कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा इस प्रॉब्लम का, कैसे क्या करना है नहीं करना है आप हमें कमेंट कीजिए, अपना नंबर सेंड कीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके दोस्तों, बाय।